बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जयपुर से आ रही है, बाबा हरिश्चंद्र मार्ग पर जो लूट हुई थी उस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुछ बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि एक हवाला कारोबारी से लाखों रुपए की ठगी का एक तरह से ये मामला कहा जाएगा। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा इस मामले पर 4:30 बजे कोतवाली थाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और पूरे मामले का खुलासा करेंगे। कुछ दिन पहले जयपुर में बाबा हरिश्चंद्र मार्ग पर एक हवाला कारोबारी से लाखों रुपए की ठगी हुई थी। उस मामले में पुलिसकर्मी बनकर कुछ बदमाश आए और उसे बहला फुसला कर उससे राशि का भरा हुआ बैग लेकर चले गए थे। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई आगे करते हुए कुछ बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता विवेक शर्मा इस फोन वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, लाखों रुपए की ठगी का मामला कहा जाएगा ये जो हवाला कारोबारी के साथ हुआ था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है इस पूरे मामले में। देखिए, राजधानी जयपुर के कोतवाली इलाके में बीते दिनों वाला कारोबारी से करीब 20 लाख रुपए की ठगी फर्जी पुलिसकर्मी बनकर की गई थी। अज्ञात युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और झांसा देकर उसके थैले में रखे 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। वारदात के बाद इलाके में नाकेबंदी कराई गई थी, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसके बाद बदमाशों को ट्रैक कर गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर आज प्रेस वार्ता कर मामले का पूरा खुलासा किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर शहर में 2 दिन पहले जयसिंहपुरा कोर इलाके में ग्रामीण बैंक में हुई डकैती के मामले में नॉर्थ पुलिस को सफलता मिल गई है। पुलिस ने इस वारदात में भी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोपहर में पुलिस समूचे के बाद ये प्रेस वार्ता रखी गई है। एडिशनल डीसीपी एक क्राइम इस पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे। एडिशनल कमिश्नर कैलाश हुई शाम 4:30 बजे जयपुर कमिश्नर में प्रेस वार्ता कर इन दोनों वारदातों का खुलासा करें, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि राजधानी जयपुर के नॉर्थ इलाके में एक के बाद एक वारदातें सामने आ रही थी। फिलहाल 2 वारदातों में अब भी पुलिस की टीमें लगातार जांच में जुटी हुई है, जिसमें चाकू से हमला कर एक प्रॉपर्टी कारोबारी से नकदी लूटी गई थी। साइंस पार्क शास्त्री नगर इलाके में घटना हुई थी, जहाँ अपने घर में घुस रहे एक व्यापारी से लूट की गई थी। इसके अलावा इसके 2 दिन बाद ही विजयनगर इलाके में भी ऐसी एक वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस टीमें लगातार मामले के खुलासे में जुटी हुई। विवेक, तमाम जानकारी के लिए। तो दो बड़े मामले थे पिछले कुछ दिनों में अपराध के सामने आए थे। एक मामला था बैंक में लूट का और दूसरा जो मामला सामने आया था उससे 2 दिन पहले वो आया था ठगी का मामला। करीब 20 लाख रुपए की ठगी हुई थी हवाला कारोबारी से। इन दोनों मामलों में पुलिस को सफलता मिल चुकी है। 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे।